दोस्तों, इस टॉपिक के पिछले पार्ट में हम डिस्कस किए थे लद्दाख के हिस्ट्री के बारे में। आज हम इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे LAC को लेकर इंडिया और चाइना के बीच का जो मतभेद है वो आखिर क्यों है, और जिसके चलते आज इंडिया और चाइना के बीच गालवान्स का फेल चल रहा है। LAC के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। 20 अक्टूबर 1962 में भारत का उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगा पूरा नॉर्थ ईस्ट पर ही चीन का कब्जा हो सकता है। उन्होंने कहा था, इस वक्त कुछ आसाम के दरवाजे पर दुश्मन है और आसाम खतरे में है, इसलिए खासतौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों और बहनों पर जो आसाम में रहते हैं, उनके हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफी उठानी पड़ रही है, शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितने भी हम मदद करें हम उनको तकलीफ से नहीं बचा पाएंगे। जिस तकलीफ के बारे में प्रधानमंत्री कह रहे थे वो सिर्फ आसाम के नहीं थे, पूरा देश को आसाम में हुए हमले का डर सता रहा था। इसकी शुरुआत हुई 20 अक्टूबर 1962 के रात में, जब चाइना ने इंडिया पर हमला बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने लड़ाई शुरू की दो दिन बाद देश को इस युद्ध के बारे में सूचित किया। आजादी को सिर्फ 15 साल हुए थे। हमारी देश की उत्तरी सीमा में स्थित है ये देश चीन, जिसके साथ इंडिया हमेशा कोशिश किए थे अच्छे रिश्ता बनाए रखने का। अमेरिका, इंग्लैंड, रूसिया पहले से ही चाइना को पसंद नहीं करता था, UN में चाइना को आने नहीं दे रहे थे, लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने चाइना को समर्थन किया और UN में जाने का रास्ता चाइना के लिए आसान किया, क्योंकि 1960 में चाइना को जो वेटो पावर मिला था ये पावर पहले भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन नेहरू ने ये वेटो पावर को ठुकरा दिया और बोला कि हम नॉन अलाइन देश हैं, वेटो पावर हमको नहीं चाहिए, आप इसे चाइना को दे दीजिए। ये नेहरू जी के सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। 1962 के वॉर में 4 दिन के अंदर अंदर चाइना ने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया पर कब्जा जमा लिया। चीनी सेना ने तावन पर कब्जा करते हुए लगभग 60 किमी इंडिया के अंदर तक घुस आए थे। तावांग अरुणाचल प्रदेश की एक एरिया है जो भूटान, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर स्थित है। 1962 की वॉर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई लद्दाख के रेजांगला में लड़ी गई थी। ये रेजांगला 17,000 फीट ऊंचाई में है। रेजांगला के पास में चुसुल नाम के गांव था जहां पर इंडिया के हवाई पट्टी थी। चाइना इस पर कब्जा करना चाहते थे, इसके लिए लड़ाई हुआ। इंडिया के 13 कुमायन के 123 वीर जवानों ने लगभग 1,000 चीनी सेनाओं को मार गिराया। इस लड़ाई की नेतृत्व दे रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। इस लड़ाई में हमारे 130 वीर सेना में से 110 सेना शहीद हो गए थे और मेजर शैतान सिंह का बॉडी एक साल बाद बरम में जमी हुई मिली थी। इस वॉर में चाइना ने भारत की 42,735 स्क्वायर किमी एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। ये इतना जमीन थी जिसमें देश की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बस सकती है। उसके बाद चाइना ने एक तरफ से ही सीज़फ़ायर घोषणा कर दी थी और अरुणाचल प्रदेश से 20 किमी पीछे चले गए, लेकिन लद्दाख क्षेत्र में जो अक्साई चीन का जमीन हड़प लिए थे वहाँ से पीछे नहीं हटे और अक्साई चीन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। तब से दोनों देश के बीच LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जन्म हुआ। LAC एक नॉन डिमार्केटेड एरिया है। भारत के लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से होते हुए LAC गुजरती है। LAC एक्चुअल में कई कांटेदार वाला बॉर्डर नहीं है, यह भारत और चीन के बीच में एक सीमा विवाद है, मतलब इंडिया के हिसाब से सीमा कहीं और चाइना के हिसाब से कहीं और। प्राचीन काल में चाइना से जो सिल्क रूट निकलता था
उसी को एक नया तरीके के साथ डेवलप करने का नाम है वन बेल्ट वन रूट। इसका दो हिस्सा है, एक SREB मतलब सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो जमीनी सड़क ट्रेड रूट है, और दूसरा मेरीटाइम सिल्क रोड MSR जो समुंदर का ट्रेड रूट है। 2013 में जी जिनपिंग जब रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट बने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये वन बेल्ट वन रूट। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है पूरा यूरोप और एशिया में चीन का साम्राज्य विस्तार करना। चीन इस प्रोजेक्ट के अंडर बहुत सारे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे सीपोर्ट, रोड, गैस पाइपलाइन, हाईवे, रेलवेज एटसेट्रा। इंडिया शुरू से ही वन बेल्ट वन रूट के खिलाफ है, क्योंकि जो कंट्री इस वन बेल्ट वन रूट के एग्रीमेंट में साइन करेगा उस देश में चाइना का इन्फ्लुएंस रूट तक पहुंच जाएगा। CPED चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वन बेल्ट वन रूट का एक हिस्सा है। इस रूट को चाइना ने गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान की गदर पोर्ट तक बना रहा है। भारत ने इस रूट को बनाने से तीव्र आपत्ति जताई, क्योंकि ये गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया है। जमीनी ट्रेड रूट के बाद चाइना समुंदर ट्रेड रूट की तरफ बढ़ रहा है। इंडियन ओशियन का इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन ओशियन से ही ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच ट्रेड चलता है। भारत का इस रूट के ऊपर इन्फ्लुएंस सदियों से है, लेकिन चाइना ने इस रूट पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए म्यांमार में सितवे पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट को अपने कब्जे में लिया और इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इंडिया और चाइना की सीमा है 4056 किमी। 1997 में ही चाइना ने इंडिया बॉर्डर के पैरेलल अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। 1997 में इंडिया चाइना को खतरा मानते हुए CSG यानी चाइना स्टडी ग्रुप बनाया। CSG ने 73 स्थानों को आइडेंटिफाई किया और इस पर काम करने के लिए सूचित किया। 2018 से 2023 के अंदर BRO 272 स्ट्रेटेजिक रोड बनाने का लक्ष्य रखा है। लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक, उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक, हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक एंड जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट बेकन BRO के अंडर चल रहा है। मुंसियारी, बुगदियार, मिलान रोड उत्तराखंड में इंडिया चाइना के बॉर्डर के नज़दीक BRO के अंडर काम चल रहा है। ले से 255 किमी लॉन्ग डारबुक सियोक दौलतबेग उल्डी तक एक ऑल सीजन रोड बनाया जा रहा है BRO के अंडर। उसके साथ ही 30 परमानेंट ब्रिज टनल का भी काम चल रहा है। पहले इस पहाड़ियों में एक स्थान से दूसरी स्थान पर सेना को भेजने के लिए बहुत दिन लग जाता था, वह अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये बहुत सारे कारण जो हमने डिस्कस किए वो तो है ही, उसके साथ DSDBA रोड की डेवलपमेंट को लेकर चाइना गवर्नमेंट को बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसके चलते लद्दाख के गालवान स्कैल्प आज इतना सुर्खियों में है। ओके दोस्तों, आज बस इतना ही। और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना है तो हमारा फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन आउटलेट को फॉलो कीजिए।